नमस्कार, इनबीसीएन न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत इनबीसीएन की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। नोएडा में श्रीकांत त्यागी के परिवार से मिलने पहुंचे सपा का डेलीगेशन, सोसाइटी के बाहर ही पुलिस फोर्स तैनात। संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में होगी आज सुनवाई। पीएम मोदी ने भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी युद्धपोत INS विक्रांत को सौंपा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने बंगाल के मजदूर को मारी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर नाव हादसे में 10 लोग बचाए गए तो वहीं 7 लोगों का शव हुआ बरामद। कर्नाटक में पीएम मोदी आज बेंगलुरु जाएंगे, 3,800 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की रखेंगे आधारशिला। झारखंड में इस्तीफा नहीं देंगे सीएम हेमंत सोरेन, 5 सितंबर को विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। एमएनएस नेता सार्वजनिक माफी मांगे, मुंबई में महिला से बदसुलूकी मामले में शिवसेना ने की मांग। सेनेरना और विनियस विलियम्स की यूएस ओपन डबल के पहले राउंड में ही हुई हार। और आसाम समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का हुआ अलर्ट।